अभी पिछले हफ्ते मेरे साथ पेट्रोल पंप एक स्कैम हुआ। मैं वहां पे 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाने गई थी। मैंने उन्हें बोला प्लीज इस गाड़ी में 1000 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए। पेट्रोल पंप ऑपरेटर ने 400 रुपए का पेट्रोल भरने के बाद रोक दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने ऐसे क्यों करा, तो उन्होंने बोला कि मैडम सॉरी, सुनने में गलती हो गई। ऑल्दो अगर आप मेरी गाड़ी में 1000 रुपए का पेट्रोल डालते हो तो 120-130 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल जाती है, लेकिन उस दिन 1000 रुपए का पेट्रोल भरने के बाद मेरी गाड़ी सिर्फ 60-70 किलोमीटर ही चली, which made me realize कि मेरे साथ स्कैम हुआ। ऑल्दो मैंने वहां पर ऑपरेटर से बहस करी, आर्ग्यू करा, बट वहां पर मेरी बात कोई मानने को तैयार नहीं था। सो आई थॉट कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ है, सो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। घर जाके आई स्टार्टेड सर्चिंग एंड फाउंड आउट दैट देयर आर 6 to 7 अदर वेज इन विच यू कैन बी स्कैम्ड एट पेट्रोल पंप्स। इस वीडियो में मैं आपको उन सारे तरीकों के बारे में बताऊंगी। ऑल्सो आई टेल यू हाउ टू अवॉइड दीज स्कैम्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्कैम जो कि मेरे साथ हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोल पंप ऑपरेटर ने 400 के बाद आके रोक दिया था पेट्रोल भरना, और जब मैंने उन्हें रिमाइंड कराया कि भैया मैंने आपको 1000 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए कहा था, तब उन्होंने फिर पेट्रोल भरना शुरू करा और तब उसके बाद जो मीटर है वो 600 पे आके रुक गया। ऑन बीइंग आस्क्ड ही सेड कि मैम 400 का पहले भर दिया, 600 का अब भर दिया, हो गया ना 1000। मैंने कहा ठीक है, कह तो सही रहे हैं, एंड देन आई लेफ्ट। बट एक्चुअली हुआ ये था, जब उन्होंने वापस से पेट्रोल भरना शुरू किया था तो उन्होंने मीटर को जीरो नहीं किया था, पंप को जीरो नहीं किया था, वो ऑलरेडी 400 से ही भरना शुरू कर दिया था। तो बेसिकली उन्होंने 400 प्लस 200 यानी कि 600 रुपए का पेट्रोल भरा इंस्टेड ऑफ 1000 रुपए का पेट्रोल। होता ये है जनरली पेट्रोल पंप्स पे, आई एम एक्चुअली वेरी अटेंटिव, बट उस टाइम पे जब उन्होंने वापस से भरना शुरू करा, मतलब जब करने ही वाले थे, उतने में कोई और इंसान आ गया मेरे पास फॉर पेमेंट, एंड देन आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड दैट्स व्हेन द स्कैम हैपेंड। अब बात करते हैं स्कैम नंबर टू की, जिसे कहते हैं लॉन्ग हॉल ट्रिप। आपने कभी नोटिस किया होगा जिस गाड़ी आपकी गाड़ी में जिस पाइप से पेट्रोल भरता है, उस पाइप के जो आगे वाला नोजल है वो बहुत लंबा होता है। उस नोजल में कम से कम 100-150 मिलीलीटर पेट्रोल आ जाता है। अगर आप इस नोजल को एकदम से स्टार्ट स्टॉप करेंगे तो उसमें एक तरह का एयरलॉक क्रिएट हो जाता है जिसमें 100-150 मिलीलीटर पेट्रोल फंस जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा ऑपरेटर पेट्रोल डालते टाइम एंड में स्टार्ट स्टॉप करते रहते हैं जस्ट टू क्रिएट दैट एयरलॉक एंड स्टील दैट 100-150 मिलीलीटर पेट्रोल। सुनने में लग रहा है कि यार 100-150 मिलीलीटर पेट्रोल से क्या फर्क पड़ता है, बट ऐसी छोटी छोटी चोरियां बड़ी बन जाती है। स्कैम नंबर 3 इज डाइवर्जनरी मेथड। आप जैसे ही पेट्रोल पंप पे जाते हो, कोई ना कोई अटेंडेंट आपसे बात करने आ जाता है, कभी क्रेडिट कार्ड बेचने, कभी फ्यूल कूलेंट बेचने, कभी कार क्लीनिंग के लिए, कभी पॉलिशिंग के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप जैसे ही उस इंसान से बात करने लग जाते हो, आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। वो अटेंडेंट कोशिश करता है कि आपके साइड व्यू मिरर जो आपका है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। इतने में पेट्रोल आपके टैंक में जाने की जगह किसी बॉटल वगैरह में चला जाता है एंड पेट्रोल की चोरी हो जाती है। आपको लगता है कि पेट्रोल भर गया है, लेकिन एक्चुअली पेट्रोल भरा नहीं जाता है, पेट्रोल की चोरी हो जाती है। जनरली ये वाला स्कैम लोग थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि जनरली लोग, जैसे मैं, अगर मेरा पेट्रोल भरता है तो मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ तो मैं चेक करती हूँ कि मेरा वो जो इंडिकेटर है वो ऊपर आया है नहीं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं करते। सो हाँ, ये वाला स्कैम थोड़ा सा कम होता है क्योंकि इसे पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन होता जरूर है। स्कैम नंबर 4 इज ट्वीकिंग फ्यूल डिस्पेंसिंग मशीन्स। देखिए, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो फिक्स डिनोमिनेशन में पेट्रोल भरवाना पसंद करते हैं, 50, 100, 500, 1000, 2000 एक्सेट्रा, एंड ये बात पेट्रोल पंप वालों को अच्छे से पता है। ऐसे में वो क्या करते हैं कि वो एक इंटीग्रेटेड चिप को एक मशीन में, डिस्पेंसिंग मशीन में फिट कर देते हैं। उस चिप से होता क्या है कि जब भी कोई फिक्स डिनोमिनेशन का पेट्रोल या डीजल आपको भरवाने के लिए कहता है तो वो मशीन ऑटोमेटिकली 2-3% कम फ्यूल डालती है। ये बात हम बिल्कुल भी अपने मन से बना के नहीं कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर ये केसेस हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे पेट्रोल पंप ओनर्स हैं जो कि इस स्कैम में पकड़े जा चुके हैं। ऑल्दो कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल एंड भारत पेट्रोलियम हैव इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ मेजर्स टू मेक श्योर दिस डजंट हैपन, बट इट स्टिल हैपेंस। मूविंग ऑन टू स्कैम नंबर 5 व्हिच इज फिलिंग द कॉस्टलियर वर्जन ऑफ द फ्यूल विदाउट आस्किंग। ये वाले स्कैम में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कि जो ऑपरेटर्स हैं वो महंगे वाला वेरिएंट भर देते हैं पेट्रोल का। होता क्या है कि आप किसी भी रिमोट लोकेशन पे होते हो स्पेशली, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन तो ज्यादा होते नहीं है, वहां पर वो आपको नॉर्मल फ्यूल की सप्लाई देने से बंद कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास ना जी वो है ही नहीं, खत्म हो गया। अब यार इंसान ऑलरेडी रिमोट लोकेशन पे है, क्यों उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, लेकिन हाँ लोग उठाते हैं। कस्टमर भी कह देता है चलो यार भर दो, महंगे वाला ही भर दो। होता कुछ नहीं, महंगे वाले में उनको मार्जिन थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए दे प्रिफर सेलिंग द कॉस्टलियर वर्जन ऑफ द फ्यूल इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल वन। लास्ट एंड द मोस्ट कॉमन स्कैम व्हिच हैपेंस जनरली विद बाइकर्स इज कंटिन्यूटी स्कैम। होता क्या है कि पेट्रोल पंप वालों को ये बात पता है कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी में रहते हैं और कब का पेट्रोल भरवाते हैं,
इसका वो लोग फायदा उठाते हैं क्योंकि बाइक वाली जो लाइन है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव होती है, उतने में वो क्या करते हैं कंटिन्यूटी में पेट्रोल भरते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके आगे वाले ने 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया, आपको 200 का पेट्रोल भरवाना है, तो वो 100 रुपए को 0 पे सेट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 200 रुपए का पेट्रोल भर देंगे। लेक विच मीन 100 रुपए का उसका ऑलरेडी था, आपका 100 का और ऐड कर दिया और आपको दिखा दिया 200। इफेक्टिवली आपका 100 रुपए का नुकसान हो जाता है। सो दैट्स इट, दीज आर द 6 मोस्ट कॉमन वेज जिसमें आप पेट्रोल पंप स्कैम किए जा सकते हो, यू नो हाउ टू डील विद इट नाउ। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई तरीके पता है जिससे आप स्कैम हो सकते हो या होए हो, कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जो आप देना चाहते हो, प्लीज लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, वी कीप फाइटिंग।